पाम तेल की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट इस अंदेशे के चलते आई है कि खाद्य तेल के निर्यात पर इंडोनेशिया का अचानक प्रतिबंध लगाना आशंका के अनुरूप सख्त नहीं होगा। इंडोनेशिया पाम तेल का टॉप प्रोड्यूसर है। इंडोनेशिया केवल थोक और पैकेज्ड आरबीडी पामोलिन के निर्यात को रोकेगा, जो कि एक उच्च मूल्य वाला उत्पाद है और जिसे प्रोसेस्ड किया गया है। मामले से परिचित लोगों के अनुसार कच्चे पाम तेल और आरबीडी पाम तेल के निर्यात की अभी भी अनुमति रहेगी। इंडोनेशिया के कुल पाम तेल निर्यात में आरबीडी पामोलिन का हिस्सा 30-40% का है। इंडोनेशिया के इस ऐलान के बाद सीपीओ का भाव 300 रिंगिट तक गिरा और यह 6400 रिंगिट तक कारोबार करता दिखाई दे चुका है। वहीं इंडोनेशिया के इस फैसले के बाद जानकारों का यह मानना है कि खाने के तेलों की कीमतों में ज़्यादा तेजी की उम्मीद अब नहीं है। भारत 65% खाने का तेल बाहर से इंपोर्ट करता है। भारत 1.3 करोड़ टन खाने के तेल का सालाना इंपोर्ट करता है। 63% हिस्सा यानी लगभग 8.5 लाख टन पाम तेल आयात होता है। पाम तेल के आयात पर 50,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च भी किए जाते हैं। सरकार पाम तेल के उत्पादन पर भी जोर दे रही है और सरकार का पाम तेल का उत्पादन वित्त वर्ष 2026 तक 3 गुना करने का लक्ष्य भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।